हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अभी नाइट का बज रहा है 11:15 हो चुके हैं और नाइट, और मैं सोई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आज है 5 तारीख के नाइट, मतलब 5 तारीख ख़त्म हो रहा है आज। अभी 12 बजे से 6 तारीख लग जाएगा और मेरी बेटी, मतलब 1 साल हो जाएगी। मेरी बेटी का आज बर्थडे है और इसी वजह से मैं सोई नहीं हूँ, इसलिए मैं यही सब यादगारें के साथ में अपनी मैं प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी लाइफ कैसा था? सो फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी लाइफ बहुत ही अच्छा था और हार्ड भी था कहना चाहिए, क्योंकि पहला जो प्रेगनेंसी होती है वो एक माँ के लिए, और यह तो फर्स्ट बच्चे जिसके भी आता है वो बहुत सुखमय ज़िंदगी होता है। जिसके जो भी माँ बने होंगे, फर्स्ट एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही अच्छा होता है। सो मैं भी इसी तरह, मैं तो अपने घर में रही नहीं और मैं पूरे प्रेगनेंसी कहना चाहिए फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 8 मंथ तक मैं जॉब करती रही एक कंपनी में, और पूरे 8 मंथ तक मैंने काम किया है। इसके बाद जब 8 मंथ ख़त्म हो चुका था तब जाके मैं डिलीवरी के लिए घर गई थी, और बहुत ही अच्छा रहा। और प्रेगनेंसी के दौरान मेरे को कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, जबकि मैं बस से ट्रेवल्स करती थी, कंपनी से रूम, रूम से कंपनी, ऐसा शाम सुबह। और मेरी ड्यूटी ऐसा था कि मैं नाइट ड्यूटी करती थी, नाइट ड्यूटी और सेकेंड ड्यूटी। जब सेकेंड होता था तो 3 से 11 बजे रात तक, तो मैं लगभग 12 बजे नाइट में पहुंचती थी, और नाइट में जाना होता था तो 10:30 बजे निकलती थी और सुबह 7 बजे आती थी। तो ऐसा मेरा, मतलब ड्यूटी पीरियड में ही मेरा प्रेगनेंसी लाइफ रहा, और मैं पूरे 8 महीने तक अपने बच्ची को कोख में ले करके मैं 8 मंथ तक मैं ड्यूटी करी मैं। और मेरे पैर सूज जाते थे बहुत ऊँचे, ये जो पैर है ना, इतने ऊँचे ऊँचे का सूज जाता था। जब मैं सूज पहनती थी तो मेरे पैरों में सूज नहीं आते थे इतने, यानी कि पैर में सूजन आता था। और क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम करती थी उस कंपनी में बैठने वाला कोई सिस्टम नहीं था, सिर पे खड़े वाला काम था, तो इस वजह से चलते ही रहो तो पूरा ब्लड नीचे चला जाता था, तो पूरे पैर सूज जाते थे। फिर भी मैं ड्यूटी जाती थी और जैसे तैसे मैंने पूरे 8 मंथ तक लगातार काम की। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुकून से, और कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ नहीं करते, लेकिन फ्रेंड्स, मैं पूरे 8 महीने तक अपने बेटी को कोख में रख करके मैंने पूरे 8 महीने तक मैं ड्यूटी में काम की। मेरे को ऐसा लगता था कि जितना दिन मैं रूम में भी रहूँगी तो क्या करूँगी, सोते ही रहूँगी, इस वजह से मैं ड्यूटी करती थी। और लास्ट ही मैं 2 ही महीना मैं रेस्ट करी, सिर्फ 2 महीना, 9 और 10 और 10.5 महीने के बाद मेरी डिलीवरी हुई थी। और जब मेरी डिलीवरी 5 तारीख के नाइट में 2 बजे स्टार्ट हो गया था, और मेरी बेटी, और मतलब 2 बजे नाइट में स्टार्ट हो गया था इसके बाद, और बहुत ही दुख भरी कहानी थी। उसी दौर में हमारे पापा ससुर के एक्सीडेंट भी हुआ था, और हॉस्पिटल में थे सभी लोग, और सभी लोग घर पहुंचने के बाद मेरी बेटी का, मतलब मेरी बेटी आई थी सभी लोगों के इकट्ठा करने के बाद, तो बहुत ही अच्छा था। और जिस दिन सभी लोग घर पे आए थे उसी दिन 2 ही बजे रात में मेरी डिलीवरी पेन, मतलब स्टार्ट हुआ था, और 2 बजे नाइट में, फिर 2 बजे नाइट में स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन हम 8 बजे हॉस्पिटल गए थे, तब तक हम रूम पे घर पे ही थे। फिर 8 बजे गए तो फिर भी पूरा दिन ऐसे ही रहे फ्रेंड्स। और मेरा लास्ट डिलीवरी हुआ था 4:30 बजे दिन में, 4:30 बजे मतलब शाम टाइम डिलीवरी हुआ था। तो जो मैं अभी बेटी है तो मैं वेट कर रही, 12 बज जाए तो मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं विश कर देती इसके बाद सोती, इसलिए मैं अभी वेट कर रही, और मेरी बेटी अभी सोई है फ्रेंड्स। और कहना चाहिए कि आज 12 बजे या तो 2 बजे कह दो, मेरी बेटी
पूरे एक साल की कंप्लीट हो जाएगी, मतलब मेरी बेटी 6 मार्च 2022 की है, 4:30 बजे और संडे के दिन हुई थी मेरी बेटी का डिलीवरी। तो मैं उस पल को याद कर रही थी, और माँ बनना इतनी भी आसान नहीं है फ्रेंड्स, और बहुत ही प्रॉब्लम भरी ज़िंदगी होती है, और कहना चाहिए कि लेडीज़ का एक पुनर्जन्म होता है। तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हुआ है, चीरा के साथ हुआ है, बहुत सारे पार्ट्स मतलब ऐसे काटे थे, काट के इसके बाद मेरी बेटी को निकाले थे। तो बहुत दर्द भरी और दुख भरी कहानी होती है, और कहते हैं ना कि ना हो नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, और होता है तो भी प्रॉब्लम होता है। इस पल को सिर्फ एक माँ ही जान सकती है कि एक जान से जान आना ये छोटी मोटी बात नहीं है, और मतलब खुशी भी होती है फ्रेंड्स, और एक दुखी भी दुख भी होता है। तो कोई बात नहीं, और हम बहुत खुशनसीब हैं, हम आज तक कभी बेटा बेटी में भेद नहीं किए हैं, आज मेरी बेटी है और हम अपने बेटी को अपने बेटा की तरह प्यार करते हैं। ऐसा हमको भगवान हमको बेटा भी नहीं देंगे तब भी हमको चलेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों से पूछो जिनके बच्चे नहीं होते, उनके दिल में क्या गुजरता है। इसलिए कभी भी बेटा बेटी में कभी भेद ना करें, हम लोग अपने बेटी में हम लोग कभी भी ऐसा भेद नहीं करते हैं, हमको यही लगता है कि हमारा एक बेटा है और लड़का लड़की एक समान है, कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। और अभी मेरी बेटी सो रही है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी बेटी 1 साल की हो गई, इसलिए मैं वेट कर रही, और अभी मतलब 35 मिनट शेष हैं, 35 मिनट शेष हैं 12 बजने को, मैं अपने बेटी को विश करने के बाद सोऊंगी। तो मेरे को लगा कि मैं अपने प्रेगनेंसी जर्नी को बताऊं, इस वजह से मैं आप लोग मतलब इतने दिन तो मैं नहीं बताई थी इस वाले चैनल पे, मेरे एक सेकंड चैनल है उसमें शायद मैं प्रेगनेंसी जर्नी मतलब शेयर की थी। तो अगर जिसको भी लगता है कि बहुत मतलब ऐसे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं, चलते फिरता रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, और कभी भी ज़्यादा बैठ के नहीं रहना चाहिए, जितना बैठते हैं अपनी प्रॉब्लम होता है सब बोलते हैं। तो मैं तो लास्ट 2 महीनों में मैं कुछ काम नहीं की, और मैं घर में थी, मम्मी काम कर लेती थी, बहुत ऐसे ना के बराबर काम की, लेकिन मैं जब तक मैं यहाँ पे थी गुजरात में तब तक मैं पूरे 8 महीने तक मैं अपने प्रेगनेंसी लाइफ में पूरे काम की, ऐसा नहीं कि मैं बैठ के रही। तो यही था मेरा प्रेगनेंसी जर्नी, आप लोगों को मेरा वीडियो ये वाली कैसा लगा प्रेगनेंसी जर्नी वाला, और कल की वीडियो में मेरे बेटी का बर्थडे वाला आएगा मेरा वीडियो, तो आप लोग वेट कीजिएगा। कल तो नहीं आ पाएगा क्योंकि शाम को ही केक कटेगा, तो परसों डलेगा, लेकिन और ये वाली जो वीडियो है वो कल डलेगा मेरी बेटी के बर्थडे में। और मेरी बेटी 1 साल की हो जाएगी फ्रेंड्स, तो मेरी बेटी को सभी लोग दुआ दीजिए, और मेरी बेटी बहुत अच्छी से लगे, किसी का नज़र ना लगे, भगवान करे कि मेरी बेटी को मेरी उम्र लग जाए, क्योंकि मैं हम अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमको यही लगता है कि हमारी बेटी हमारी जान है। तो देख लीजिए अभी सो रही है आराम से, और मैं विश करने के बाद ही सोऊंगी। तब तक के लिए अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और जय हिंद फ्रेंड्स, लव यू।